Hello students, in the last video we have studied the Fourier transform of Gaussian pulse. Now in this video we will study the Fourier transform of triangular pulse. So aaj ki video mein hum log yahan par standard triangular pulse ka Fourier transform ka analysis karenge. So standard triangular pulse already hum log study kar chuke hain previous videos mein. To xt kya hota hai aapka notation a 1 minus mod of t upon t. So this is your standard triangular pulse. Ab hame is triangular pulse ke liye Fourier transform calculate karna hai. Hum logo ne last video mein jab humne Gaussian pulse ki Fourier transform calculate kiya tha tab hum logo ne do properties padhi thi, time differentiation property and frequency differentiation property. To is triangular pulse ke liye हमें यहां पर टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी की नीड होगी. तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग इस xt को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. जो हमारा फिगर है उसे पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में. तो सबसे पहले हमें इसकी स्लोप निकालनी होगी लाइन की. तो क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉमा जीरो एक पॉइंट हो गया आपका, और एक पॉइंट क्या हो गया आपका, जीरो कॉमा ए. तो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो कितना हो जाएगी स्लोप आपकी, a by t. मैं यहां पर पहले शो कर देता हूं स्लोप को a by t, और सिमेट्रिकल फिगर है इसलिए स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, माइनस a by t. अब आप देखिए यहां पर जो स्टार्टिंग स्लोप है आपकी वो कितनी है, a by t है. किस पॉइंट पर, माइनस t पर. दैट मींस a by t r t plus t, ठीक है ना. स्टार्ट में अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्लोप क्या थी, जीरो थी. माइनस टी पर ए बाई टी ऐड हुई, देन आप देखिए टी इक्वल टू जीरो पर ए बाई टी से माइनस ए बाई टी हो गई, मतलब टी इक्वल टू जीरो पर माइनस टू ए बाई टी आपकी ऐड हो जाएगी. तो कितना बन जाएगा ये आपका, आर टी. अब आप ध्यान से देखिए, टी इक्वल टू टी पर स्लोप वापस से जीरो हो रही है. तो पहले आपकी माइनस ए बाई टी थी, अब जीरो हो रही है, मतलब आपकी कितनी ऐड हो जाएगी, प्लस ए बाई टी आर टी माइनस टी. तो ये हमारा हो गया एक्स टी. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. अब इस एक्स टी का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. जैसा मैं आपको एक वीडियो में बताया था जहां हमने टाइप्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था, कि रैम सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. तो हमें रैम का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता, लेकिन इस ट्रायंगुलर पल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम क्या कर लेते हैं, इस रैम को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो डी एक्स टी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ए बाई टी यू टी प्लस टी माइनस टू ए बाई टी यू टी प्लस ए बाई टी u ऑफ t माइनस टी. तो डिफ्रेंशिएशन के बाद रैम सिग्नल ut में कन्वर्ट हो गया. पर हमें ut का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी नहीं पता है, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है. और वैसे भी जब हम डिस्कस करेंगे तब आप देखेंगे कि ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो अब अगर मैं यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लूँ तो डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, हमें पता है कि u का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, डेल्टा. तो जहां जहां u है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डेल्टा में. तो डेल्टा t प्लस टी माइनस टू ए बाई टी डेल्टा t देन प्लस a बाई टी डेल्टा t माइनस टी. तो ये हमारा आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी. अब अगर मैं बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ यहाँ पर, तो आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए. तो मैं आपके लिए जो हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं लिख देता हूँ. तो अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है तो डी एक्स टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जे टू पाई एफ एक्स एफ. और अगर मैं डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर के फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो ये हो जाएगा जे टू पाई एफ का होल स्क्वायर एक्स एफ. तो ये हमारा आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म
d square x t by dt square का. Now, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ a by t delta t plus t के Fourier transform की या delta t के Fourier transform की या delta t minus t के Fourier transform की, तो हमें पता होना चाहिए कि delta t का Fourier transform जो होता है वो हमारा होता है 1. कैसे आप चाहें तो करके देख लीजिए. delta t e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी. अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे फोरियर ऑफ डेल्टा टी, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है आपका, उसमें आपकी इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लग रही है. देख लीजिए डेल्टा टी माइनस टी नॉट एक्स टी डी टी. हमें पता है यहां पर टी नॉट की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है. डेल्टा टी माइनस जीरो, तो आंसर क्या आता है आपका, एक्स ऑफ टी नॉट. इंटीग्रेशन का आंसर हमारा आता है एक्स ऑफ टी नॉट. एक्स टी क्या है आपका, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी. तो हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी में टी नॉट की वैल्यू वन पुट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन. तो डेल्टा टी का हमारा आंसर आ जाएगा वन. उसके अलावा हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, तो एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका, वो क्या होता है आपका, एक्स एफ ई की पावर प्लस माइनस जे टू पाई एफ टी नॉट. ये भी हमने स्टडी कर रखा है. तो इन सब का यूज करते हुए अगर मैं इक्वेशन नंबर वन पे वापस जाऊं, तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट साइड में है आपका डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर. तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं, तो ये हो जाएगा जे टू पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एक्स एफ इक्वल टू. यहां पर देखिए आप ए बाई टी डेल्टा टी प्लस टी, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा, देखिए डेल्टा टी का फोरियर कितना है, वन है. अब डेल्टा टी प्लस टी है, तो क्या हो जाएगा आपका, वन इंटू ई की पावर जे टू पाई एफ इंटू टी नॉट. टी नॉट कितना है हमारा, टी है, तो कितना हो जाएगा, ए बाई टी ई की पावर प्लस जे टू पाई एफ इंटू टी. क्लियर है अच्छे से. यहां पर एक्स टी का एक्स एफ है, तो डेल्टा टी का क्या है, वन है. तो डेल्टा टी प्लस टी का क्या हो जाएगा, वन इंटू ई की पावर प्लस जे टू पाई एफ इंटू कैपिटल टी माइनस टू ए बाई टी डेल्टा टी. तो डेल्टा टी का वन होता है, तो क्या बचेगा, माइनस टू ए बाई टी, देन प्लस. अब आप देखिए यहां पर ए बाई टी डेल्टा टी माइनस टी है, तो सेम हो जाएगा जो फर्स्ट वाला था, बस यहां पर ई की पावर आपकी माइनस हो जाएगी. इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें. आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक्स टी प्लस टी नॉट के लिए भी है और एक्स टी माइनस टी नॉट के लिए भी है. क्लियर है अच्छे से. नाउ अब अगर आप देखें यहां पर मैं अगर राइट साइड में a बाई टी कॉमन ले लूं, तो हम देख सकते हैं जो आपका अंदर बचने वाला है वो बचेगा आपका e की पावर j 2 पाई एफ टी, देन प्लस e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी माइनस 2. ये हमारा बच जाएगा अंदर. आप देख सकते हैं हमने क्या कॉमन लिया है, a बाई टी. तो अब आप देखिए यहां पर a बाई टी, मैं इसे अब क्या लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को अगर आप यहां ध्यान से देखें, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर j पाई एफ टी माइनस e की पावर माइनस j पाई एफ टी का होल स्क्वायर. अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन कर लूं आपके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e की पावर 2j पाई एफ टी, यही है हमारा, प्लस बी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू जे पाई एफ टी, यही है हमारा, और क्या होता है आपका, माइनस टू ए बी. तो माइनस टू इंटू ई की पावर जे पाई एफ टी इंटू ई की पावर माइनस जे पाई एफ टी, तो ये कितना हो जाएगा, वन. तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका माइनस टू. तो ये हमारा आंसर आ गया. तो ये आ गया जे टू पाई एफ का स्क्वायर इंटू एक्स एफ का आंसर. बट आपको आंसर किसका निकालना है,
आपको आंसर निकालना है xf का. तो अब आप देखिए xf की वैल्यू क्या होगी आपकी, a by t, ठीक है. अब आप ध्यान से अगर इस बात को समझे, यहां पर e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा साइन बन सकता है ना आपका यहां पर, अगर आप डिवाइड बाय 2j ले लें तो. पर यहां पर ध्यान से देखिए होल स्क्वायर है, तो आपको 2j का भी स्क्वायर चाहिए होगा. तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, e की पावर j पाई एफ टी माइनस e की पावर माइनस j पाई एफ टी डिवाइडेड बाय. आप ध्यान से देखिए जो आपका लेफ्ट साइड में j 2 पाई एफ का होल स्क्वायर था, उसको अगर आप राइट साइड में ले आए तो 2j का होल स्क्वायर आप यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, और बाकी क्या रह गया आपका 2j अगर आपने लिख लिया तो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, उसे आप यहां लिख दीजिए. क्लियर है अच्छे से? तो अब आप देखिए कि जो xf है आपका वो क्या बन रहा है, xf इज इक्वल टू a पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2j. कितना होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा. तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई एफ टी. क्लियर है अच्छे से? अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्टडी किया था सिंक फंक्शन. सिंक फंक्शन आपका क्या होता था, साइन पाई टी अपॉन पाई टी. तो देखिए यहां पर ये तो आपका स्क्वायर है, इट्स ओके, हम नीचे भी स्क्वायर बना लेंगे. साइन के अंदर क्या है आपका, पाई एफ टी, तो एफ टी है ना, पाई के बाद आपका क्या है एफ टी. अगर मैं बात करूं सिंक एक्स की तो क्या होगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, तो एक्स क्या है आपका एफ टी. तो यहां पर साइन का स्क्वायर है, तो नीचे भी आपको पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि सिंक एक्स क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स. तो अगर आपको इसे सिंक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको नीचे भी स्क्वायर चाहिए होगा टोटल, तो यहां पर टी स्क्वायर करेंगे तो ऊपर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पर आपका आंसर जो है एक्सएफ का वो क्या बन जाएगा हमारा, ए टी सिंक स्क्वायर एफ टी. तो ये हमारा यहां पर आंसर आ गया ट्रायंगुलर पल्स का. तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स का. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है इसी बेस पर, वो ये है कि अब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए सिंक स्क्वायर टी का. ये हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अब कैलकुलेट करना है. हमारे पास AT sinc square FT फोरियर ट्रांसफॉर्म है ट्रायंगुलर पल्स का. इस लास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप sinc square T का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ड्वेलिटी प्रॉपर्टी सिखाई थी. ड्वेलिटी प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया था आप T की जगह मन में F पुट करिए तो ये बन जाता sinc square F. तो फिर सोचिए कि क्या सिंक स्क्वायर एफ हमने किसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है क्या? तो यस, अभी अभी हमने ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक स्क्वायर एफ ही देखा है. तो कितना हो जाएगा आपका, ए वन माइनस मॉड ऑफ टी अपॉन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने देखा है ए टी सिंक स्क्वायर एफ टी. क्लियर है अच्छे से? अब हमारी ड्वेलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका राइट साइड में एफ के फॉर्म में है फंक्शन सिग्नल, उसे आप लेफ्ट साइड में लिख दीजिए और एफ की जगह पुट कर दीजिए स्मॉल टी. तो ये हो जाएगा ए टी सिंक स्क्वायर टी टी. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या बन जाएगा, जो फंक्शन आपका लेफ्ट साइड में था टी के फॉर्म में, वहां आप लिख दीजिए टी की जगह माइनस एफ. तो यहां पर हो गया आपका ये फंक्शन. नाउ अब हमें पता है कि मॉड माइनस एफ आपका मॉड ऑफ एफ ही होगा, मॉड के अंदर माइनस है तो सेम ही रहने वाला है आपका. और एक और पॉइंट है, देखिए दोनों तरफ आपका ए और ए कॉमन है, कैंसल हो जाएगा. अब यहां पर आप समझिए, आपको सिंक स्क्वायर टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए ना, तो अंदर कैपिटल टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, वन, तभी तो सिंक स्क्वायर टी आएगा. तो बोथ साइड अगर मैं कैपिटल टी की वैल्यू वन पुट कर दूं
तो ये हो जाएगा sinc square t, इसका Fourier transform क्या होगा आपका, 1 minus mod of f upon 1, तो 1 minus mod of f ही हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया sinc square t का Fourier transform. अगर आपको लास्ट की वीडियोस याद हो, तो हम लोगों ने sinc t का भी Fourier transform ऐसे ही निकाला था, रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म sinc t आया था और ड्युअलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके फिर हमने sinc t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया. सिमिलरली यहां पर ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म sinc स्क्वायर t आया और sinc स्क्वायर t का फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर हमने कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है अच्छे से? नाउ अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है, क्या मैं उसे ड्रॉ कर सकता हूं क्या? तो आप देखिए यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग. 1 माइनस मॉड ऑफ f आपको ड्रॉ करना है. अगर अब आप न्यूमेरिकल में वापस जाएं जहां से हमने आज की वीडियो स्टार्ट की थी, तो 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन t को हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, जहां पर t क्या है, x एक्सिस है. तो t हो चाहे f हो, मॉड के अंदर जो भी होगा वो x एक्सिस बन जाएगा. मॉड ऑफ t या मॉड ऑफ f के नीचे जो होगा वो आपका देखिए यहां पर कैपिटल T है, ठीक है ना. अब देखिए जो सामने होगा वो एम्पलीट्यूड होगा A, आप देख लीजिए यहां पर A है. तो अब अगर मैं इस एनालिसिस को फिगर में कन्वर्ट कर दूं, तो आप देखिए आपको 1 माइनस मॉड ऑफ f ड्रॉ करना है. दैट मींस यहां पर आपका लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 माइनस मॉड ऑफ f. तो अगर आप देखिए मॉड ऑफ f के नीचे क्या है, 1 है, इसका मतलब कैपिटल T की वैल्यू आपकी 1 है. तो यहां पर आप पुट कर देंगे माइनस वन से वन, ठीक है. अब आप देखिए यहां पर आपका जो सामने एम्पलीट्यूड है वो कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड आप पुट कर दीजिए वन. तो ये हमारा निकल गया sinc स्क्वायर t का फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये हमने अचीव कर लिया आज. क्लियर अच्छे से? नाउ अब मेरा एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, वो ये है कि आप एक काम करिए, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताइए sinc स्क्वायर t का. हमें एरिया चाहिए sinc स्क्वायर t का. तो अगेन आपको अगर लास्ट की दो वीडियोस याद हो, दोनों जगह मैंने ये कंसेप्ट यूज किया हुआ है कि अगर आपको xt का एरिया चाहिए तो आप क्या करिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म में f की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो आपका xt का एरिया आ जाएगा. मैं आपको फिर से शो कर देता हूं यहां पर. आप देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला यही होता है. अब अगर मैं दोनों साइड f की वैल्यू जीरो पुट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट xt dt, क्योंकि e की पावर जीरो क्या होगा हमारा, वन हो जाएगा. तो यहां पर अब आप देखिए, अगर आपको xt का इंटीग्रेशन निकालना है और वो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास एक और अल्टरनेट क्या है कि अगर आपको xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो उस फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप f की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए. तो यहां पर देखिए xt क्या है आपका, sinc स्क्वायर t है. sinc स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पा रहा है मान लीजिए, तो sinc स्क्वायर t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हमें पता है, यस ये सामने लिखा है आपके. तो वहां पर आप क्या करिए, f की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए. कर दिया हम लोगों ने, हमें क्या मिला, एम्पलीट्यूड 1. तो यहां पर यह आंसर आ जाएगा आपका 1, कैपिटल x 0. तो इस तरीके से आप किसी भी इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो. क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम लोग. यहां पर अब आप देखिए, आपको कैलकुलेट करना है अगले एग्जाम्पल पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रेपोजेडियल वेवफॉर्म का. बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आज हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है. तो ये आपको एक ट्रेपोजेडियल वेवफॉर्म दी है, माइनस सेवन माइनस सिक्स सिक्स सेवन ट्वेंटी एक्स टी. इस ट्रेपोजेडियल वेवफॉर्म के लिए हमें अब फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. तो देखिए, चाहे ट्रायंगुलर हो चाहे ट्रेपोजेडियल हो, दोनों ही केस में आपको स्लोप के टर्म्स में ही एनालिसिस करना होता है. ये हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग की वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं.
तो यहां पर अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इस फिगर की स्लोप कैलकुलेट करनी होगी। तो आप देखिए यहां पर स्लोप क्या हो जाएगी इस फिगर की, देखिए ये पॉइंट क्या है -7.0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -6.20। क्लियर है अच्छे से? तो स्लोप क्या होती है y2 - y1, मतलब 20 - 0 आप स्लोप लिख लीजिए यहां पर, अपॉन x2 - x1 मतलब -6 - 7 मतलब +7 हो जाएगा, तो -6 + 7 कितना बचेगा 1। तो स्लोप कितनी आ गई हम लोग की 20, तो आप लिख दीजिए 20, तो यहां पर क्या हो जाएगी सिमेट्रिकल फिगर है तो -20। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अब आप देखिए हमारी स्लोप आ चुकी है -20 और 20। अब अगर मैं इस फिगर को रिप्रेजेंट करूं, इस XT को अगर रिप्रेजेंट करूं, तो क्या हो जाएगा आपका ये XT? ध्यान से देखिए यहां पर पहला पॉइंट क्या है -7, स्लोप क्या है +20, तो क्या हो जाएगा आपका 20 RT + 7, ये हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट आप देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा माइनस, क्यों? देखिए 20 जो स्लोप है वो -6 वाले पॉइंट पर 0 हो जा रही है, देख लीजिए यहां पर स्लोप क्या है 0, कांस्टेंट लाइन मतलब 0 स्लोप, तो आपको -20 करना पड़ेगा किस पॉइंट पर, 6, -6 पर, तो RT + 6। अब आप देखिए +6 पर क्या हो रहा है, स्लोप जो 0 से -20 हो रही है, तो कितना हो जाएगा -20 RT - 6। और लास्ट में आप देखिए स्लोप आपकी -20 से 0 हो रही है किस पॉइंट पर, 7 पर, तो +20 करना पड़ेगा। -20 को अगर 0 में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +20 किस पॉइंट पर, t = 7 पर। तो ये हमारा आ गया XT। अब आपको पता ही है कि आपको दो बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा आपका, तो आप दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे, d2 dt² = (dt²) = (20Δt+7 - 20Δt+6 - 20Δt-6 + 20Δt-7। तो हमने क्या किया बेसिकली, जहां जहां पर हमें रैंप दिख रहा था हमने दो बार डिफरेंशिएट करके रैंप को कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में, इंपल्स में। एक बार करने से स्टेप बनेगा, दूसरी बार करने से इंपल्स बन जाएगा, डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। हमने सेम काम लास्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है, क्लियर है अच्छे से, जब हमने ट्रायंगुलर पल्स के लिए बनाया था। अब अगर मैं बोथ साइड यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो ये हो जाएगा J2πf² (XF). अब यहां ध्यान से देखिए डेल्टा टी प्लस सेवन है, तो देखिए फिर से आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो क्या होगा 20 डेल्टा टी का क्या हो जाएगा 1, और शिफ्टिंग है प्लस है तो क्या होगा e^+J2πf(t0)। t0 क्या है 7 -20 e^+J2πf(t0) = 6 -20 e^। अब आप देखिए यहां माइनस साइन है तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस साइन J2πf(6). देखिए यहां पर +20, यहां पर भी माइनस साइन है तो e^-J2πf(7). तो हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा, क्लियर है अच्छे से? अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, ये जो आपके दो दो टर्म्स हैं इसे देखिए आप e^J2πf(7) e^-J2πf(7) प्लस में है ना दोनों, यहां पर भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं सेकेंड और थर्ड टर्म से, -20 कॉमन ले लूं सपोज करिए, तो e^J2πf(6) + e^-J2πf(6) दोनों के दोनों आपके कॉस में कन्वर्ट होंगे यहां पर, क्लियर है ना? तो आप देखिए XF क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर मैं अगर यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से 20 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा e^J2πf(7)
प्लस e की पावर माइनस j 2 पाई f 7। और एक और पॉइंट है यहां पर देखिए, जो j 2 पाई f का होल स्क्वायर है वो भी आपका यहां पर आ जाएगा, तो j 2 पाई f का होल स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? यहां पर देखिए, अब माइनस 20 कॉमन ले लूं तो माइनस 20 अपॉन j 2 पाई f का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, e की पावर प्लस j 2 पाई f 6 प्लस e की पावर माइनस j 2 पाई f 6। क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब आप यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा cos थीटा होता है दोनों ही केस में, दोनों ब्रैकेट्स में आपको cos थीटा मिलेगा, लेकिन आपको डिवाइड बाय 2 भी चाहिए होता है, e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2। तो देखिए जो बाहर आपको 4 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एक 2 को आप अंदर ले जाइए और एक 2 को 20 से कैंसिल कर दीजिए, तो 20 बाय 2 क्या बचेगा 10, और एक 2 आपका अंदर चला गया। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप देखिए क्या बचने वाला है, अब आपका xf क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो कंप्लीट हो गया आपका 2 का रोल, तो क्या बचा j पाई f का स्क्वायर, j पाई f का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, cos आप एक 2 को अंदर ले गए ना, तो e की पावर j थीटा प्लस e की पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा cos थीटा, तो cos 14 पाई f, 7 into 2 14 हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं cos 14 पाई f। क्लियर है अच्छे से? नाउ माइनस 10 अपॉन j पाई f का स्क्वायर होगा अब आपका, क्योंकि यहां पर आपका माइनस साइन कॉमन था, आप देख सकते थे यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 into 2 12, तो cos 12 पाई f, ये हमारा आंसर आएगा यहां पर। अभी हमें और सॉल्व करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर लास्ट तक सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब यहां पर आप देखिए, हमें पता है कि जो j स्क्वायर होता है वो क्या होता है माइनस 1, ठीक है, तो यहां पर माइनस 10 हो जाएगा अगर मैं j स्क्वायर ले लूं, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस 10, तो क्या बच जाएगा हमारा 10 अपॉन पाई स्क्वायर f स्क्वायर कॉमन, और यहां पर अंदर क्या बचेगा आपका, ये आपका प्लस 10 होने वाला है, तो cos 12 पाई f, और ये आपका j स्क्वायर के कारण माइनस 10 होने वाला है, तो माइनस cos 14 पाई f। क्लियर है अच्छे से? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, तो ये हमारा कितना होता है cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला हमारा होता है, मैं आपके लिए साइड में यहां पर लिख देता हूं, cos a माइनस cos b, ये हमारा फॉर्मूला होता है sin a प्लस b बाय 2, सामने आपका 2 भी लगा होता है, इंटू sin b माइनस a बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b का, 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाय 2। तो इस फॉर्मूले का अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि गेट और आईएएस दोनों एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सिर्फ गेट और आईएएस ही क्यों, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, एग्जाम में आपको गिवन नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब आप देखिए, मैं यहां पर अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाता है हमारा 2, पहले तो 2 आएगा, तो कितना होगा 20 अपॉन पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, अब आपका क्या बचने वाला है देख सकते हैं आप यहां पर, साइन ए प्लस बी बाय 2, मतलब साइन ए प्लस बी, 12 पाई एफ प्लस 14 पाई एफ कितना हो जाएगा 26 पाई एफ बाय 2, तो 13 पाई एफ हो जाएगा। क्लियर है? इनटू क्या होता है साइन b माइनस ए बाई 2, तो b माइनस ए, 14 पाई f माइनस 12 पाई f कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पाई f बाई 2, तो कितना होगा साइन पाई f। क्लियर है अच्छे से? तो अब अगर आप यहां पर देखें तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 20 अपॉन पाई स्क्वायर f स्क्वायर साइन 13 पाई f इंटू साइन पाई f। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए यहां पर xf इज इक्वल टू 20 ओके
अब आप देखिए sin 13 pi f, sin 13 pi f upon, upon क्या हो जाएगा आपका pi f, then sin pi f, clear है यहाँ पर अच्छे से, upon क्या हो जाएगा आपका pi f. तो यहाँ पर आप देखिए, ये सब multiplication में है, ये हमें clear होना चाहिए. तो आप देख रहे होंगे, आप सेंस कर रहे होंगे कि यहां पर आपका सिंक का फॉर्म वापस से बन रहा है और सिंक का फॉर्म हमें वापस से बना लेने के लिए हमें यहां पर 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले वाले टर्म को और डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर मैं इनटू 13 करूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो देखिए sin 13 पाई f अपॉन 13 पाई f क्या हो जाएगा आपका सिंक 13f. क्लियर है? तो 20 इनटू 13 क्या हो जाएगा 260, उसके बाद क्या लिखेंगे आप sinc 13f और यहां पर क्या हो जाएगा sin pi f upon pi f sinc f. ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा जो आपने ट्रेपेज़ोइडल वेवफॉर्म ली थी. तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा. क्लियर है अच्छे से? नाउ ये क्वेश्चन कर लेने के बाद आपके लिए एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल इस तरह के पैटर्न में, जो कि हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी पे बेस होगा ये एग्जांपल आपका. मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगुलर पल्स इस तरीके से दिया हुआ है और आपको इस ट्रायंगुलर पल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगुलर पल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में इमेजिन करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ट्रायंगुलर पल्स होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है at sinc square ft होता है. तो आपको ये भी पता है कि जो आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स होता है वो कैपिटल माइनस टी से प्लस कैपिटल टी तक होता है, मतलब टोटल विड्थ कितनी होती है आपकी 2t. क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप समझिए, यहां पर टोटल विड्थ कितनी है आपकी 6 टू 10 4. क्लियर है? इसका मतलब कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल विड्थ 2t होती है. तो 2t यहां पर 4 है, तो कैपिटल टी कितना होगा, 2 होगा. तो इसका क्या मीनिंग है आपका, कि ये जो है आपका -2 से लेकर +2 तक फैला है. ठीक है, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू आपकी 2 है. आप पहले एग्जांपल को फिर से रिफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर ये स्टैंडर्ड होता तो स्टैंडर्ड का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता, स्टैंडर्ड का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता at, तो 20 into 2 40. ध्यान रखिएगा जो टोटल विड्थ होती है, मैं आपके लिए एक बार ओपन कर ही देता हूं, जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स था, आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल विड्थ जो है वो 2t है, t नहीं है ना. तो और जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है वो क्या आता है आपका, वो आता है आपका at sinc square ft. तो आप देखिए यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, आपका टोटल विड्थ जो है वो 4 है, मतलब कैपिटल टी 2 है. तो at 20 into 2 40 sinc square ft मतलब 2f. ये हमारा आया स्टैंडर्ड का, अगर ये -2 से +2 होता तो. लेकिन ये कहां से कहां तक है, 6 टू 10 है. तो कितना शिफ्ट किया होऊंगा मैं अपने स्टैंडर्ड को कि -2 से +2 होने की जगह ये 6 टू 10 है. तो क्लियर कट सी बात है कि आप देखिए +2 वाला पॉइंट +10 पे चला गया, -2 वाला पॉइंट +6 पे चला गया, मतलब आपने 8 से राइट साइड शिफ्ट किया है. और अगर आपने 8 से राइट साइड शिफ्ट किया है तो अब हमें याद होना चाहिए कि राइट साइड शिफ्ट करने के लिए साइन बीच में क्या होता है आपका, माइनस होता है. तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका e की पावर -j2πf(t0). t0 कितना है आपका 8. तो ये आपका आंसर आ गया 40 sinc स्क्वायर 2f इंटू e की पावर -j πf(16). ये आपका आंसर आ जाएगा ट्रायंगुलर पल्स का. सेम एनालिसिस हमने रेक्टेंगुलर पल्स के लिए भी किया था. तो आई होप आपको याद होगा कि किस तरीके से हम पहले स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड को शिफ्ट करके जो गिवन
सिग्नल है उसके बारे में सोचते हैं। क्लियर है अच्छे से? तो ये आज का एनालिसिस हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, जहां पर हमने एक तरह से स्लोपी, जिन सिग्नल्स में स्लोप होती है वैसे सिग्नल्स का एनालिसिस किया है, ट्रायंगुलर पल्स, ट्रेपोजेडियल वेवफॉर्म। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।